नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 5 फरवरी के लिए 12 राशियों का राशिफल। उससे पहले आज के दिन के जो शुभ काल, जिसे हम विजय मुहूर्त भी कहते हैं, वो है दोपहर 12:22 से लेकर 12:46 तक, और अशुभ काल, जिसे हम राहु काल भी कहते हैं, वो है दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक। आज के दिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा वृषभ राशि से मिथुन राशि में भ्रमण करेगा। दोपहर 2 बजे के बाद यह चंद्रमा मंगल के साथ प्रतियोग करने जा रहा है, शुक्र के साथ लाभ योग करने जा रहा है, और बुध और हर्षल का लाभ योग भी होने जा रहा है। यह ग्रहस्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, और आप ही के अष्टम भाव में स्थित मंगल के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके लाभ भाव में से शुक्र के साथ चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके लाभ भाव में स्थित बुध के साथ आप ही के राशि में स्थित हर्षल का लाभ योग भी होने जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा दिन है आपके लिए, लेकिन 2-3 बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आज के दिन आपके खर्चे वगैरह बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आपके जो घर के लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, तो भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक है। आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो, तो आज आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। उसी प्रकार अगर डॉक्यूमेंटेशन की कोई बात हो, तो आने वाले 2 से 3 दिनों में आप वो कर सकते हो। उसके संदर्भ में कुछ अच्छे आइडियाज़ वगैरह आपके सामने आ सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है, और दोपहर 2 बजे के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। आपके सप्तम भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके दशम भाव में स्थित बुध के साथ आपके व्यय भाव का जो हर्षल है वो भी लाभ योग करने जा रहा है। तो आज के दिन अगर आपका विवाह हुआ है, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके साथ जमकर कुछ प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तूतुमय में हो सकती है, और ये तूतुमय में आगे भी बढ़ सकती है, तो उसके बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। आने वाले 2 से 3 दिनों में पैसे के सोर्सेस किस प्रकार से बढ़ाए जाए, उसके बारे में काफ़ी गंभीर सोच विचार आपका हो सकता है, और उसके संदर्भ में कुछ अच्छे आइडियाज़ वगैरह भी आपको आ सकते हैं। तो उस संदर्भ में अगर देखा जाए, तो आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे और शुभ फलदायी होंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, और आप ही के षष्ठ भाव में स्थित मंगल के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। तो 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आज के दिन जो स्पेंडिंग आपकी रहेगी, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। स्पेंडिंग की वजह से, खर्चे की वजह से स्ट्रेस या टेंशन आप पर बना रहेगा, लेकिन दोपहर 2 के बाद जैसे ही चंद्रमा आपकी राशि में आ जाएगा, तो जो स्ट्रेस या टेंशन है वो काफ़ी मायनों में कम हो जाएगा। तो उसके बाद का जो दिन है आपके लिए शुभ फलदायी हो सकता है। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, और आप ही के पंचम भाव में स्थित मंगल के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके दशम भाव में स्थित हर्षल के साथ आपके अष्टम भाव का जो बुध है वो भी लाभ योग करने जा रहा है। तो 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। लाभ के बारे में अगर आपने कुछ सोचा था, तो वो लाभ आज के दिन आपको मिलने थोड़ा कठिन है। आपके जो मित्र परिवार होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों के लेकर तकरार हो सकती है, और तकरार आगे बढ़ भी सकती है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। दोपहर के बाद का जो समय है वो आपके लिए शांतिपूर्वक हो सकता है। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, और आप ही के चतुर्थ भाव में स्थित मंगल के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके लाभ, आपके भाग्य भाव में स्थित हर्षल के साथ आपके सप्तम भाव का जो बुध है वो लाभ योग करने जा रहा है। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो, या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ हैं वो काफ़ी भिन्नतम हो सकती है। वहाँ पर के जो आपके सहकर्मी होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह हो सकते हैं। अगर आपका विवाह हुआ है, तो आपके जो वैवाहिक सदस्य होंगे उनसे आज आपको अच्छी सहायता वगैरह मिल सकते हैं, कुछ अच्छे डिसीजंस वगैरह मिल सकते हैं, अच्छी राय वगैरह मिल सकती है, जो कि आपके इनकम से रिलेट करने वाली होगी। तो आने वाले 2 से 3 दिन इसके संदर्भ में काफ़ी अच्छे और शुभ फलदायी होंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण, और आप ही के तृतीय भाव में स्थित मंगल के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके षष्ठ भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। तो 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप कहीं बाहर घूमने फिरने निकल रहे, तो आज के दिन सजग रहना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। किसी बड़ी योजना पर अगर आपको काम करना है, तो आज के दिन उसकी शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करना। उसके संदर्भ में कुछ प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस उभर कर सामने आ सकते हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आप जॉबलेस हो, तो आपको अच्छे काम वगैरह मिल सकते हैं, जॉब वगैरह मिल सकते हैं, या फिर काम की जो परिस्थितियाँ हैं जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से हो सकती है। तो उन महीने में देखा जाए, तो आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए शुभ फलदायी होंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण, और आपके द्वितीय भाव में स्थित मंगल के साथ चंद्रमा
प्रति योग करने जा रहा है। आपके सप्तम भाव में सिद्ध हर्षल के साथ आपके पंचम भाव का जो बुध है वह लाभ योग करने जा रहा है। तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, सेहत के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो ससुराल के लोग होंगे उनके साथ छोटे मोटे बातों के लेकर तकरार हो सकती है, वह तकरार काफ़ी आगे बढ़ भी सकती है। उसी प्रकार अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो आज का आपका जो दिन होगा बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। इसके बाद की जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि में सिद्ध मंगल के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके षष्ठ भाव में सिद्ध बुध के साथ आपके चतुर्थ भाव का जो हर्षल है वह लाभ योग करने जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, वह तकरार ज़्यादा बढ़ भी सकती है। तो खुद के भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आने वाले 2 से 3 दिनों में लाभ के बारे में कुछ अच्छे विचार आपके मन में आ सकते हैं, कुछ नई आइडियाज़ आपके मन में आ सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण और आप ही के वैया भाव में स्थित मंगल के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके पंचम भाव में से दर्शन के साथ आपके तृतीय भाव का जो बुध है वो भी लाभ योग करने जा रहा है। तो आज का जो दिन होगा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल साबित हो सकता है, खास करके आपके सेहत के बारे में छोटी मोटी बातों के लेकर स्ट्रेस या टेंशन बढ़ सकता है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर आपके काम के आपके हाथ के नीचे काम करने वाले जो लोग होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों के लेकर तकरार हो सकती है। तो खुद के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे और शुभ फलदायी होंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण और आपके लाभ भाव में सिद्ध मंगल के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आपके द्वितीय भाव में सिद्ध बुध के साथ चतुर्थ भाव का जो हर्षल है वो लाभ योग करने जा रहा है। तो अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो आज का जो दिन है आपके लिए थोड़ा सा महंगा साबित हो सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी आगे भी बढ़ सकती है। अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके वैवाहिक जोड़ीदार के साथ भी आज के दिन तू तू मैं हो सकती है। तो थोड़ा सा अपने आप पर काबू रखना ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, आप ही के दशम भाव में सिद्ध मंगल के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आप ही के राशि में सिद्ध बुध के साथ आपके तृतीय भाव का जो हर्षल है वह लाभ योग करने जा रहा है। तो घर के लोग होंगे उनके साथ आज आपकी जमकर तू तू मैं हो सकती है। तो भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो आज का दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो भी आज का जो दिन है या फिर आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे और शुभ फलदायी हो सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के दशम भाव में सिद्ध मंगल के साथ चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। तो अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो सकती है। शेयर मार्केट से अगर आप डील करते हो तो भी आज के दिन बड़े ट्रेड नहीं करना, फंस जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। उसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके साथ आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे और शुभ फलदायी होंगे। तो दोस्तों ये था दिनांक 5 फरवरी के लिए 12 राशियों का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।